प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आज का वसीफा अमल बहुत प्यारा, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अपनी बहन को अगर बहुत ज्यादा आपकी कोई परेशानी है तो जरूर याद करें। अगर कोई तकलीफ है, कोई दिली मतलब कि आपको परेशानी हो रही है, तो प्लीज अपनी इस बहन को याद करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं आपकी बहन आपकी जरूर मदद करेगी। आज की सबसे प्यारी अहदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहिम के सफ़े रमजान की पहली रात को नाजिल हुए, तौरात 6 रमजान को नाजिल हुई, अंजील 13 रमजान मुबारक को नाजिल हुई, ज़बूर 18 रमजान को नाजिल हुई, कुरान मजीद 24 रमजान को नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहली बात ये देखें कि मेरे नबी का तल्लक हमारे से क्या है। हर कोई देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनकी अपनी एक उम्मत है, ठीक है, जैसे हम उम्मत मोहम्मदी हैं, ठीक है। फिर जैसे हजरत इस्माइल हो गए, हजरत यूसुफ, हजरत यूनस, हजरत मूसा, ईसा, ठीक है ना। तो हमारे नबी की सबसे बड़ी उम्मत है, और इसमें गुनाहगार भी ज्यादा है। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे नबी के सामने जब उनकी उम्मत को पुकारा जाए तो वो शर्म से सर झुकाए? तो मेरी बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि बहनों को पर्दों का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत आबरू से अपने घर रहना चाहिए, मेरे नबी की कभी नजर ना झुके, और मेरे नबी की सुन्नतों को आम करो, मेरे नबी की अहादीसों को दूर दूर तक पहुंचाओ, ताकि अल्लाह पाक की जात आप पर रहम करे। आज का वजीफा बहुत प्यारा, बहुत आला, और उसका तरीका आज मैं आपको जो बताऊंगी उसमें किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोगों ने वज़ाइफ बताए, बहुत ज़्यादा, अमल नहीं कोई बताता, क्योंकि अमल एक ताकत रखता है। वज़ाइफ हम चलते फिरते किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अमल खास अल्लाह की रहमत पाने के लिए किया जाता है। हम नमाज सारे दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं ना, हम कुरान पाक भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, सूरह वाकिया को मगरिब के टाइम, सूरह मुल्क को ईशा के टाइम, नमाज फजर जुहर असर एक वक्त मुकर्रर को क्यों, तहज्जुद एक वक्त मुकर्रर को क्यों, रमजान के रोजे एक वक्त मुकर्रर को क्यों, किसी भी वक्त तो रखे जा सकते हैं ना। कोई दिन शबान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है शबे बारात, इन दिनों के हिसाब, चांद सूरज एक वक्त मुकर्रर पर क्यों। अमल का तल्लक भी इसी तरह, अमल को अमल की तरह करें। कपड़े पाक साफ, कपड़े सफेद हो तो नायाब, क्योंकि मुतबरी की अलामत होते हैं। अमल में कपड़े लाइट कलर, मतलब जैसे नीम कलर होता है, जैसे आसमानी कलर हो जाता है, गुलाबी कलर हो जाता है, बिल्कुल लाइट कलर। उसके बाद बावजू गुसल करें, गुसल नहीं तो बावजू, दो नफल तोबा, दो नफल हाजत, फिर अल्लाह से फरियाद करें, अमल की कामयाबी की दुआ करें। एक मोमबत्ती लें, जिसे कैंडल भी कहते हैं, मोमबत्ती लें। अब आपने क्या करना है, पढ़ाई करनी है बिस्मिल्लाह शरीफ की, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ, उसके बाद सात मरतबा आयतुल कुर्सी, सात मरतबा सूरह इख़लास, सात मरतबा सूरह कौसर। ये सब पढ़ाई उस मोमबत्ती में या उसकी रोशनी में उसकी तरफ देख के करनी है। कोशिश करें अमल के दौरान किसी से बात ना करें। एक दिन का अमल बताती हूं मैं आपको, अगर आप तरीके से कर लेना तो यकीन माने, अगर आप तीन दिन मेरा अमल तरीके से करें, एक दिन का अमल तीन दिन लगातार करें, कोई ऐसी मेरे रब की जात के अलावा ताकत नहीं है जो उस शख्स को, उस बहन भाई को आपकी तरफ मुसख़र और तस्खीर मतवज्जा वापस पलटाने में
वो मदद ना करे। आप यकीन माने कि जितने प्यारे प्यारे मैं अमल आपको बताती हूँ, कोई नहीं आपको बताएगा ना समझाएगा। मोहब्बती में अब अमल, जब आप पढ़ाई के दौरान खुशबू भी लगाया करें, खुशबू का इस्तेमाल करें ताकि फरिश्ते आपके पास आए, क्योंकि फरिश्तों की गजा खुशबू है, मुकलिन की गजा खुशबू है। खुशबू का इस्तेमाल, ये ना हो कि आप परफ्यूम लगाना शुरू कर दें, नहीं, अतर लगाएं। अगर नहीं लगा सकते तो अगरबत्ती आप लगा सकते हैं, उसकी खुशबू बहुत मोतबर होती है। यकीन माने, कोई कितना भी संगदिल हो, कोई कितना भी रहम दिल ना हो और पत्थर दिल हो, ऐसी बेकरारी हो कि आपकी सोच है, मैं ये नहीं कहती कि वो कदमों में आके गिर जाए या गिड़गिड़ाए, तो बनौस भी ऐसे नहीं, मतलब किसी के साथ करना चाहिए, लेकिन इसका हाल ऐसा ही होता है कि वो इतना बेचैन, इतना बेकरार, साथ साथ दिल में तसव्वुर में रखें कि हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, शरीयत का ख्याल रखें। मियाँ बीवी के लिए भी अमल किया जा सकता है, घर में कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत तकलीफ में, उनके उनको मसखर करने के लिए भी किया जाता है, अपने प्यारों को मसखर करने के लिए भी किया जाता है। अगर किसी का अपना प्यारा बहुत दूर जा चुका है, अल्लाह ताला के पास जा चुका है, उसको भी हाजिर करने के लिए अमल किया जाता है। ये इतना ताकतवर अमल है। ये अमल 3 दिन आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि इससे ज्यादा अगर किसी को बेचैन या आपका काम, मतलब इतना ज्यादा हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते कि अल्लाह की जात आप तो से नाराज हो और अल्लाह पाक की रहमत भी आपसे रूठ जाए। आपने ये अमल जरूर करना है, एक दफा जरूर कीजिएगा, इनशाला दोबारा किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी इस बहन को जरूर बताएं, इस्तखारा करवाएं, और आपका पता होना चाहिए मुझे कि कौन अमल कर रहा था, कि मैं उनके लिए दुआ भी मदरसे में भी करवा दूं और वैसे भी दुआ करूं और साथ में अमल में भी आपको सपोर्ट करूं या आपके लिए अमल करूं। इसके साथ ही इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जजाकल्लाह खैर।